यूपी के बलिया से बैरिया भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर देश के प्रति अपनी चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें कि विधायक ने पुलवामा हमले में शहीद जवानों पर मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर में रहने वाले मुस्लिम लोगों, राजनेता फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ स्थानीय पुलिस को भी पाकिस्तान प्रस्त बताया है। विधायक ने अफसोस जताया कि जवाहरलाल नेहरू की जगह पटेल जी अगर प्रधानमंत्री हुए होते तो भारत पहले ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया होता। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बलिया जनपद के बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह की माने तो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाने पे सभी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सेना पर आतंकी हमले में शहीद जवानों और आतंकवाद पर स्थानीय पुलिस को हटाकर राष्ट्रीय पुलिस का गठन कर वहां तैनात किया जाना चाहिए। वहां की पुलिस आतंकवादियों से मिली हुई है, ऐसा कहना है भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नेहरू और उनके परिवार और पिछली कमजोर सरकारों के कारण है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद उसी दिन समाप्त हो जाएगा जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, क्योंकि आजादी के बाद जिस दिन धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ था तो जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना तो स्वतः भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। इसको कानूनी रूप से घोषित करना बाकी है। उन्होंने कहा कि जिस दिन ऐसा हुआ जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। देश में चल रही आतंकवादी गतिविधियों के लिए पूर्व पीएम नेहरू जी की लचर नीतियों और गांधी परिवार की विदेशी मानसिकता को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। हिंदू राष्ट्र होने से भारत का जो आतंकवादी जो इस समय गतिविधियां है, क्या आतंकवाद पे इसका असर पड़ेगा? उसी दिन जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया मेरे भाई, उसी दिन जम्मू कश्मीर की समस्या समाप्त और भारत के प्रति दुर्बल भाव रखने वाले, पाकिस्तान के प्रति सबल भाव रखने वाले लोगों की मानसिकता ध्वस्त और निजात जो है राष्ट्रीय समस्या से निजात और आतंकवाद से निजात उसी दिन तत्काल लग जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी पूरा देश आतंकवाद को खत्म करने के लिए हिंदू राष्ट्र का इंतजार? एक नहीं, वैसे तो शासन करेगा ही, हमारी नियत है तो हम लोग उसको रंग डालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी के जमाने में आपका पत्रकार है, आप कभी देखे थे 70 वर्ष की आजादी में जब भारत का राष्ट्राध्यक्ष बोल रहा है, मीटिंग करने के बाद निकलता है तो बोलता है हमारा नेता मन जो है भारत, प्रत्येक भारत के नौजवानों का सीना 10 गुना फैल गया होगा मेरे भाइयों। बोलता है कि बाप पहली बार 70 वर्ष की आजादी के बाद जम्मू कश्मीर की समस्या और आतंकवाद से निपटने के लिए सेना को फूली छूट दे दिया, पूर्णतया छूट दे दिया गया। ऐसा वर्जन भारत के किसी भी नेतृत्व ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया था, जो हमारे मोदी जी ने दिया है पूरा समर्थन। क्या करना है, कहां करना है, किस रूप में करना है, कितना करना है, ये कौन करेगा? हमारा सेना अध्यक्ष करेगा। ऐसा निर्णय यदि कोई सबल राष्ट्रभक्ति का ध्वजवाहक ही कर सकता है, बुजदिल मानसिकता का कांग्रेसी कभी नहीं कर सकता है। कांग्रेसी बुजदिल होते हैं, ये जो है इनको राष्ट्र से क्या मतलब है, इनको जो परिवार से मतलब है, इनके परिवार से मतलब है, परिवार को संसार बना करके चलाते वाले लोग हैं, संसार को परिवार बनाने वाला महान होता है। पूरे कश्मीर में 70 लागू है, इतने बड़े हमले के बाद भी केंद्र में सरकार है, आखिर 370 क्यों नहीं हट रहा? आप पत्रकार हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, 370 धारा माने मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान नेता है, बच्चों की कहानी नहीं है वो। जो है ये 370 धारा में प्रतिबद्धता ये है कि केंद्र सरकार के विधेयक लाने के बाद 6 महीना के भीतर राज्य सरकार के विधानसभा में उस विधेयक की स्वीकृति होनी चाहिए। केंद्र द्वारा लाए गए विधेयक की स्वीकृति यदि स्टेट नहीं करता है तो उस विधेयक का कोई माने मतलब नहीं होता। इसलिए अब लाए और फिर जाकर के विधानसभा में ये हो जाएगा तो कौन करेगा, ऐसा मूर्खता कौन करेगा? ये तभी संभव है मेरे भाइयों। पहला तो काम ये होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय पुलिस लगाया जाना चाहिए। मेरा पहला मांग है कि भारत के संविधान में भी यदि संशोधन करना पड़े तो संशोधन हो और वहां के स्थानीय पुलिस को हटा करके राष्ट्रीय पुलिस का वहां गठन करके जिसमें भारत के अन्य सभी क्षेत्रों के लोग वहां भर्ती हों और वहां वो थाना चलाएंगे, वहां का जम्मू कश्मीर का समस्या काफी हद तक दुरुस्त हो जाएगा। वहां पुलिस से लेकर के पब्लिक तक सम्मिलित हुई है और जितने भी आतंकवादी इस्लाम के नाम पर एक हो जाते हैं और जो है हिंदूवादी ताकतों को परस्त करने के लिए और उनकी हत्या करने के लिए लोग राजी हो जाते हैं। यहाँ वो जो है आतंकवादी, हमारी सेना जो है आतंकवादियों को खोजती है और जम्मू कश्मीर में बसे हुए जो स्वदेशी आतंकवादी है, विदेशी आतंकवादियों को घर में बैठाए रहते हैं और कौन सी सेना सर्च करेगी? और वहां दिक्कत यह है कि वो जो है वहां की पुलिस वहां पर है तो वहां की पुलिस भी मिली हुई है, वहां की पुलिस भी कुछ अंश में
और आतंकवादियों से मिली नहीं, उन सबों की मानसिकता शुद्ध रूप से पाकिस्तानी है और ऐसे लोगों को जब तक सबक नहीं सिखा। मुझे मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने पूज्य नेता और महान नेता मोदी जी को कि पहली बार 70 साल की आजादी में पत्थर चलाने वालों का सिक्योरिटी गार्ड छीना गया है। जो जो भी गिलानी जैसे लोग थे आज जो है उनकी सुरक्षा छीन ली गई है। और मेरा तो आग्रह है, शीर्ष नेतृत्व से आग्रह है कि गिलानी और पत्थरबाजी करने वाले मुसलमानों को भी जेल में डालना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। मोदी जो है इस समय प्रधानमंत्री है, फिर इसे हिंदू राष्ट्र अब तक क्यों नहीं बनाया? हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप लोग देख लीजिएगा कि 2024 के पहले पहले यदि परमात्मा ने और भारत की जनता ने मोदी जैसे महान नेता को फिर से यदि बागडोर सौंप दिया तो मेरा दावा है अभी राज्यसभा में हम लोगों का बहुमत नहीं है, अभी तक नहीं था, आप जानते हैं नहीं था। जिस दिन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो जाएगा और फिर भारत की कुर्सी पर भाजपा जो है सत्तासीन हो जाएगी, आप मान के चलिएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। मैं हृदय से कहता हूं कि होगा नहीं, औपचारिकता पूरी करनी है। भारत हिंदू राष्ट्र है, जिस समय पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र घोषित हुआ उसी समय दो संस्कृतियों के आधार पर देश बटा था, तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र घोषित हुआ तो भारत उसी दिन जो है हिंदू राष्ट्र हो गया था, लेकिन कमजोर नेतृत्व के मानसिकता के कारण उस समय हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। जिस दिन सबल मानसिकता इस भारत की हो जाएगी और लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। भारत काफी समय से जो है आतंकवाद से पीड़ित है, फिर जो आदेश आज जो पीएम मोदी ने दिया है ये पहले क्यों नहीं दिया? देखिए हर चीज का समय होता है मेरे भाइयों। राष्ट्र चलाने वाला व्यक्ति 1 अरब 40 जवानों के मरने के बाद 1 अरब 30 करोड़ लोगों का मुखिया किसी भी विषम परिस्थिति का सामना करने के बाद ही कुछ है कठिन निर्णय लेता है। तो आज वो देश के सामने कठिन चुनौती है, कठिन समस्या है, कठिन समस्या है। आज लोगों ने निर्णय लिया है, ये उचित समय पर उचित निर्णय है, उचित समय पर उचित निर्णय है। इसके पहले निर्णय लिया जाता तो लोग कहते कि जानबूझकर के मुसलमानों के लिए परेशान कर रहे हैं। भाजपा के लोग और भाजपा के नेता किसी भी कम्युनिटी के लोगों को परेशान करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो देश चलाने जानते हैं और देश का सम्मान की रक्षा करने जानते हैं, देश की जनता का सम्मान की रक्षा करने जानते हैं, बढ़िया सब कर लें। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।